जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या चिराग पासवान से उनके चाचा जी जो है, जो पशुपति पारस जी हैं, वो डर गए हैं। क्योंकि अभी जो है, जब वो पटना पहुंचे तो उनसे कुछ मीडिया वाले पूछे, इलेक्शन जो हो रही है नागालैंड में, उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी, तो उन्होंने जो है चिराग पासवान जी के बारे में कुछ डिफरेंट बातें बोली। और ये क्या बातें बोले और कौन सा पॉइंट पे बोले, इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और मामला को समझिए और जानिए कि क्या चिराग पासवान जी से जो है उनका चाचा जी जो पशुपति पारस जी हैं, वो डर गए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि चिराग पासवान जी के बारे में जब पूछा गया पशुपति पारस जी से, वो एयरपोर्ट पे पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी के अगेंस्ट में हम जो है अपने पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और ये कैंडिडेट कैंडिडेट जो खड़ा करना है वो नागालैंड में जो चुनाव हो रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नागालैंड में स्टेट असेंबली का चुनाव हो रहा है, उसमें चिराग पासवान जी जो है वो अपना कैंडिडेट को खड़ा करने वाले हैं। और चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट वहां पे नहीं हो रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान जी जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं नागालैंड में। इसी मैटर पे जब पशुपति पारस जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नागालैंड में अपना नेता नहीं खड़ा, आई मीन्स अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं एनडीए का पार्ट हूँ और मैं फिर जो है बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष को लेटर भी लिख चुका हूँ कि मैं कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं करूंगा नागालैंड में। और चिराग पासवान जी के बारे में बोला उन्होंने कि वो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और क्यों खड़ा कर रहे हैं, नहीं खड़ा कर रहे हैं, अब वो बतावे, लेकिन हम जो है वहां पे कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। उससे दूसरी भी बात पूछी गई छपरा के बारे में, छपरा में जो इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि कोई एक नया इंसिडेंट नहीं है, बिहार में ऐसा होता जाता है, हो रहा है, हम इस पे क्या बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे वो बहुत कम होगा। तो अब यही देखना है कि रियल में चिराग पासवान जी का बढ़ता कदम से जो है पशुपति पारस जी जो है कुछ भयभीत हो गए हैं, जिससे वो नागालैंड में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे, या फिर रियल में वो एनडीए का अपने आप को पार्ट समझ रहे हैं और अपने आप का पार्ट होने के कारण बीजेपी वहां पे कंटेस्ट कर रही है, तो फिर एनडीए का पार्ट होते हुए वो अपना नेता नहीं खड़ा, वहां नेता अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे। अब देखना यही होगा कि सच्चाई क्या होती है, बहुत जल्द ही इसके सच्चाई का पता चलेगा और ये आप तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू, भारत माता की।